Sorry. इस तरफ जाना है. सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं होगा, झप्पी देनी पड़ेगी डार्लिंग. झप्पी दूंगा तो पप्पी भी देनी पड़ेगी. अब तो मैं किस भी लेकर रहूंगी. बड़ी होती जा रही और कपड़े कम होते जा रहे. कोरियर अभी तक क्यों नहीं आया भाई? तूने जितना मांगा था मैंने उतने ही दिए तुझे. 2 बजे तक आएगा बोला था, 4 बज रहे हैं अभी. कोरियर. हाँ. कवर निकाल बे. अगर कवर निकालूंगा तो फट जाएगा, कवर डैमेज हो जाएगा तो करियर तबाह हो जाएगा. खुद ही निकाल लीजिए, कवर ले लीजिए, साइन कीजिए, टायर दीजिए, रिटर्न करना है. तेरे तो ये क्या है सर जी? परसों पेपर में आया वो आर्टिकल सही है? उस लड़की का रेप करने वाले एक्स एमएलए आप ही हैं? बहुत गलत बात है सर. ए बाबू इसे मार दे. मुझे एक प्रॉब्लम है सर, मुझे गुस्सा नहीं आता. आप मुझे गुस्सा दिलाने की जितनी भी कोशिश कर लीजिए पर आप नाकाम हो जाएंगे. शायद आप मुझे मार डालोगे क्योंकि मैं ये फोटो लेके भागूंगा. मेरे मन को भाया, मैं फोटो लेके भागा. मैं सीधा सीधा दौड़ू फिर उल्टा उल्टा दौड़ू. इसे कहते हैं हर्ट रेस. ये है शाहरुख का स्टेप. अब देखो सलमान का एक्शन. ये है कट्टप्पा स्टाइल, बिना बोले अटैक. और ये मारी गुलाटी. पकड़. और ये रहा जैकी चैन का जलवा. और इसे कहते हैं लैंडिंग. फिर ली पोजीशन और निकले सर पर. भाई कौन है वो? बाप रे, कुछ बोलने से पहले ही क्यों मार रहे हो यार? उसने मेरे भाई को जेल में डलवाया. उसने डलवाया है ना? कुरियर तेरा था. पर किया तो उसने. तूने उसे काम पर रखा? मैंने कहा रखा, वो तो खुद ही ज्वाइन हो गया. अरे तो इस सिटी में मत दिखना. किसी भी सिटी में नहीं दिखूंगा. वो बंगा राजा मिले तो कॉल करना. तो फिर गंदे दो. बाप रे कॉल करना. चलो यहाँ से. चल 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 चल. यहाँ के लोगों को तीखा और मजाक पसंद है लेकिन खूबसूरत भी बहुत है. मैडम आप थोड़ा सा मिस कर गए, नहीं तो मिस इंडिया बन जाती. मुझे चार्ज करना छोड़ो और 500 का रिचार्ज करो. ठीक है मैडम. मैडम मैडम चेंज. मैं तो ऐसे ढूंढ. ऑटो. अरे मैडम. Thank you.
अरे मेरा पता लेके भाग गई। अरे मैडम मैडम मेरे पैसे मैडम। अरे मैडम अरे बस जा रही है जल्दी करो। एक्सक्यूज मी टिकट टिकट। मेरा बैग किसी ने काट दिया। बैग चोरी हो गया? नहीं कटा हुआ है। स्टॉप द बस। चोरी कर लिया? नहीं कट किया। अरे कैसा देश है ये अपना है? नयनतारा और नमिता का मंदिर बनाने वाला अपना ये देश, ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखने वाला अपना ये देश, आइटम सॉन्ग पर 100 रुपए खर्च करके मजे लेने वाला अपना ये देश, ऐसे ही देश में दिन दहाड़े एक खूबसूरत लड़की का फुल बस में बैग चोरी हो जाता है। कट किया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की आंख से काजल चुरा लेना। और इस बस में जो शरीफ दिख रहे हैं शायद उनमें से कोई ना कोई तो है जिसने चोरी की है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बताओ इनमें से तुम्हें किस में शक है? उसकी तो तुम्हारे ऊपर ही है। बात हीरो जैसी कर रहे हो और काम चोरों जैसे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझे मरने का मन कर रहा है। इतना बड़ा अपमान जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया हो। बड़ी-बड़ी बातें। मैं जा रहा हूँ। पर्स कहाँ है? पहले देखे जा। कहाँ जाओगे? क्यों? अबे पहले पर्स दे। अच्छा अच्छा ठीक है मैं दे रहा हूँ ना। ये लो रखो तुम्हारा बैग। चलो साइड तो मुझे जाना है। इतनी जोर से क्यों मारा? अभी तो इन लोगों ने इतना मार दिया, फिर तुमने क्यों मारा? ये कट किया इसलिए और ये चुराने के लिए। लगता है यहाँ सब चोर ही भरे पड़े हुए हैं। वो देखो एक और चोर। चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ। रंगा। अरे बंगा राजा। अच्छा हुआ तू मिल गया। तुझसे मिलके तो सालों हो गए यार। कैसा है तू? ये क्या देख रहा हूँ, तू तो एकदम चिकना हो गया। हाँ यार जस्ट अभी भी फेशियल हुआ मेरा। अच्छा तो वही पुराना धंधा चालू है तेरा? क्या करूँ यार, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, वही तो सीखा। अच्छा ये बता महीने का कितना कमा लेता है? वो क्या है ना, ब्लेड का खर्च और पुलिस का कमीशन निकाल के करीब 50,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है। क्या है कि उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है और तुझे तो वो भी नहीं। नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मुझे जाने के डर से नहीं भागने के डर से रोका। ए बस को पुलिस स्टेशन लेके चलो। पैसे दीजिए। ओ सॉरी। मैं तो एड्रेस ढूंढ। अरे ओ मैडम मुझे जाना है यार। क्या अर्जेंट है क्या भाई? बहुत ही अर्जेंट है। तो फिर ऐसा बोलो ना भाई। अरे बाप रे सॉरी, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे मैडम रुकिए मेरे पैसे। हेलो क्या बात है यार, तुम दोनों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बिछड़े हुए लवर्स मिल गए हो। हेलो तुम लोग अपना प्यार का खेल बाद में खेलते रहना, पहले पैसे दो। सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं आपको चोर समझ बैठी। अरे अरे क्या कह रही हैं आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी बैग चुराते हैं। गलत मत बोल यार, तुझे पता है ना चोर कभी लोगों को देखता नहीं है, उसकी नजर तो सिर्फ पर्स पर होती, क्यों है ना। ओके यार आज का कोटा पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, तू संभाल ले। आपका फ्रेंड है क्या? हाँ बहुत ही पुराना फ्रेंड है। अरे मेरा पर्स चुरा के ले गया। कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मैडम जरा ये एड्रेस बता सकती हैं? बताना क्या, मैं आपको छोड़ ही आती हूँ, चलिए। ये लीजिए, ये तो यही पर है। यही है ना? हाँ। शोरूम तो अच्छा है और मेरी दाई आग भी फड़क रही है, शायद लाइफ में अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। क्या है? शोरूम के बाहर खड़ा रहेगा तो मेरे स्टूडेंट को मारोगे क्या? मारूंगा ही ना, ये वोल्वो कार है, चिंदी चोरों के देखने की कार नहीं है। क्या कहा? चिंदी चोर? मेरे स्टूडेंट को चिंदी चोर कहा? तू ही चिंदी चोर है, तू ही चिंदी चोर है, बेवकूफ। इसकी तो ए उस बुढ़िया को पकड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैंने आपसे नहीं कहा, इनसे कहा। इनको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहने का मन करता है और आप हैं कि इन पर हाथ उठा रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। कौन है बे तू? मुझे सिखा रहा है? चुपचाप देखते जाओ। स्कूल में कंचे ले जाते हो? उसे मार बोला तो मुझे मारा, तुझे दिख नहीं रहा? हे भगवान, मुझे गुस्सा नहीं आता माँ जी। वो लोग गुस्से में हैं और इस तरह गुस्सा निकालने से उन्हें शांति मिलती है। मसाज कर रहा है क्या? सर के ऊपर मार। और एक छेद बना दिया। अबे कौन है? मेरा तू? नाम बंगा राजा है। नारद राव जी ने आपके पास जॉब के लिए भेजा था। मैं नहीं दूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। जहाँ औरतों की और बच्चों की इज्जत नहीं होती, वहाँ का पानी भी हराम है। चलिए माँ जी। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। सच में माँ जी? तो बाद में याद कर लीजिए, अभी चलते हैं। अबे नारद, तूने किसे भेजा? ये कैंडिडेट है या एक्सीडेंट है? कौवे ने दाई ओर किया, मतलब कुछ तो हुआ है। बाय टीचर। अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। जेब में पैसे नहीं है माँ जी, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं अनाथ नहीं हूँ। वो कैसे? मेहनत करने वाला कोई भी शख्स गरीब नहीं होता। और वैसे आप जैसे अच्छे लोग मुझे बेटे जैसा माने तो फिर मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, मेरी बड़े बेटे की। बड़े बेटे की? उसकी आदतें भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी।
कुछ हुआ? अरे आओ जल्दी, आओ जल्दी, चलो चलो, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ लोग गलती करने के लिए चेहरे पर मास्क लगाते हैं और कुछ लोग गलती छुपाने के लिए चेहरे पे मास्क लगाते हैं। तब मैं घर पे नहीं था। ए, सर, रात को जो लोग घर पे थे उन्हें ऊपर बुलाओ। ओके सर। सुनो, लास्ट में आने वाले को मैं मारूंगा। लास्ट में आने वाला कमजोर होता है, सर, वो मेरे किसी काम का सर, नहीं सर, सर। तू पहले आया है। पहले आने वाले को मरने का बहुत डर होता है, सर, वो भी मुझे सर, नहीं सर, चाहिए सर। मास्क कहाँ मिला था तुम्हें? घर के बाहर शॉप के सामने। उसके बगल में एक एटीएम है, वहाँ कैमरा लगा होगा। अच्छा आइडिया सर। अपना सर्टिफिकेट तू अपनी जेब में रख, जा। काम तुझे पहले ही करना चाहिए था। इस कमीने को ढूंढकर मैं खत्म कर दूंगा। नहीं मारोगे। इस मूर्ति के बारे में पता चला है, इसका मतलब और भी मूर्तियों के बारे में जानने का चांस है, तो सिक्योरिटी को टाइट करो। कैसे पता चलेगा वो मूर्तियां कहां रखी हैं? सिर्फ हम दोनों को पता है। वॉल्ट ओपन करने के लिए 10 डिजिट का पासवर्ड, वॉइस रिकॉग्निशन, रेटिना। गलती करना गलत नहीं होता, गलती को रिपीट करना गलत होता है। उन मूर्तियों की वैल्यू है 900 करोड़। नॉर्थ से यहां आकर मैंने शादी की और तेरे जैसे बेटे को पैदा किया। सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरफ जाना है। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं होगा, झप्पी देनी पड़ेगी डार्लिंग। झप्पी दूंगा तो पप्पी भी देनी पड़ेगी। तो मैं किस भी लेकर रहूंगी। अरे बाउंसर सारे भागो। हाँ? मैं पान खाकर आता हूँ। अरे जल्दी कर। अरे अरे भाई, जरा एक मिनट रुकना।
प्लीज हमें लिफ्ट दीजिए। अरे भागो। लिफ्ट क्या यार, ये कार ले लो। शहर में कब आए? कल ही आया। ये आप इसे जानते हैं क्या? टेंशन मत लो, मैंने ज्यादा नहीं पिया है। नहीं नहीं नहीं, सुनील वर्मा। हाँ, ड्रेस देख रहे हैं या टकली को देख रहे हैं? ड्रेस देख रहा हूँ। इस ड्रेस में मेरी बीवी और सुंदर लगेगी, लेकिन इसकी रेट बहुत ज्यादा है। आपका बजट कितना है? 800। 800 में खंबा पी लो, अपनी वाइफ की ओर देखो, कैटरीना कैफ दिखेगी। वाह, क्या आइडिया है। और सुनिए, अपनी बीवी को ही देखना। ओके। हाँ, क्या हुआ? रात को इतना कुछ हुआ, लेकिन तू इतना खुश हो रहा जैसे रात को अच्छा सपना देख लिया। अरे बुरे सपनों को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। खाओ, खो जाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। ए, क्या तू सच में इतना इनोसेंट है? आई एम फनोसेंट। लवली सेंट, सेंट पर सेंट, वही सेंट। हेलो जी, दिस वन साइज 7। देखिए जी, या पैकेट बिलेट। थैंक यू। कौन है ये? कोई लड़की है, करंट से भरी हुई। अगर लड़की ने तुम्हें झटका दिया तो? एक ही झटके में ऊपर का टिकट कट जाएगा। सच में यार। उनका बैग। एक बार फिर से अचानक से मिल गए। हाँ, बिल्कुल। जॉब मिल गया क्या? हाँ, बहुत सारे मिले। ग्रेट। ओके, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ, मेरे साथ कॉफी पियोगे? पहचान बढ़ाने का इरादा है या फिर से थप्पड़ मारने का इरादा? मैंने बहुत लड़कों को मारा है, मगर आज तक कॉफी के लिए किसी को नहीं बुलाया है। कब और कहाँ? कल 10 o'clock ग्राउंड फ्लोर कॉफी शॉप में मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय द वे, आई एम गीता। आहा, और मैं भगवत। आप भी कमाल है, मौका मिलते ही व्हाट्सएप और फेसबुक पे लग जाती हैं। USA जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ से वीजा डॉक्यूमेंट्स भेज रही है, उसे ही सारी डिटेल्स भेज रही हूँ। बाय नेक्स्ट मंथ, बाय इंडिया। मुझे ऐसा लगता है भाई बंगा राजा बोल के जा रही हो। कल तक मुझे लगता था टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जल्दी से वहाँ चली जाऊँ, पर तुमसे मिलने के बाद लगता है कुछ दिन रुक जाती तो अच्छा होता। अच्छा, सच बोलूँ तो? एक्सक्यूज मी, पता नहीं कौन है, ठंडी के मौसम में मोबाइल से ही गर्म कर रही है, इसका तो मंदिर बनाना चाहिए। तुम्हारी अर्थी। परसों रात मुझे कभी देखा नहीं, ऐसे क्यों देख रहे थे? जरा ठीक से देखो, अभी भी वैसे ही देख रहा हूँ। जी करता है तुम्हें मार डालूं। संजना, come on, show is about to start. फैशन शो स्टार्ट हो रहा है, तुम भी आ जाओ, डैड भी आ रहे हैं, उनसे छिपके रहना, तुम्हें देखा तो लाउड स्पीकर बन जाएंगे। ओहो, ओके ठीक है, आ जाऊंगा।
वो लड़की कौन थी? नहीं जानता। जिसे मैं जानता हूँ वो लड़की तुम ही हो। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों ऐसा। मुझे पता है तू ही वो आवारा लड़का है। मैंने तुझसे कहा था ना मेरी बेटी से मिलना मत, उससे शादी करने का सपना मत देखना, उसके साथ घूमना नहीं। मैं जोर से चिल्ला कर बोला था ना, सुना नहीं। अब तो लगता है तेरा सर फोड़ना ही पड़ेगा मुझे, तभी तू मानेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल की सलाखें तोड़ के आया लगता है। मैं तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मैं तो वही हूँ जो तुम समझ रही हो। अच्छा सुनो, ये यही रह गया तुम्हारा पासपोर्ट। अरे गीता सुनो। गीता, अच्छा तो इससे भी तू चक्कर चला रहा है। जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो आप नहीं समझ रहे। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? उससे थोड़े से ज्यादा। मैंने रिसेंटली एक गन खरीदा है, समझा? मतलब आप मुझे सुनील वर्मा समझ रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे बता, तुझे सुनील वर्मा का नाम कैसे पता चला भाई? अरे यार मैं कैसे प्रूफ करके बताऊँ? प्रूफ का क्या है, तेरा रूप ही प्रूफ है। आप अकड़े हो। माजरा क्या है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल टाइम पे आए हो। माजरा ये है कि कहीं कोई मेरा हमशक्ल है वो एक नंबर का पागल है, मुझे वही समझ के ये पागल मेरे पीछे पड़ा है। अबे रुकिए, ये बंगा राजा है, मेरे भाई है। आप जो इन्हें समझ रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस तो होगा ना, चेक कर लीजिए। उस पागल के दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं, दिखाने के लिए बोलो। सोच क्या रहे हो, दिखा दो। तो फिर देखा, पैरों की उंगलियां दिखाने के लिए बोला तो कैसे बहाने कर रहा है? इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और क्या कारण वो नहीं है? मेरे पैर कैटरीना जैसे खूबसूरत नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा। लेकिन तुझे दिखाना तो पड़ेगा ही। कम ऑन, आज तू नहीं बच पाएगा। सॉरी, फेस उसके जैसा है इसलिए मैं धोखा खा गया। ओके। सर 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 सर, अरे आपको सॉरी तो बोल दिया ना? आपने सॉरी तो कह दिया, गीता बाय बोल के गई, लेकिन मेरी असलियत गीता को बतानी होगी ना। मुझे एक आइडिया है। बोलिए। क्विक रिजल्ट। क्विक रिजल्ट, ये क्या? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। अच्छा, तुम सुनील वर्मा के जैसे दिखते हो ना, तो मेरी बेटी से मिलकर उसके साथ बदतमीजी करके उसके साथ ब्रेकअप करके आ जाओ। उसके बाद मैं गीता से मिलकर उसको बता दूंगा कि तू गोल्ड जैसा है। नहीं नहीं सर, ऐसा करने से झूठ बोलने का इल्जाम लगेगा। अरे लेकिन मेरी बेटी का जीवन तो अच्छा हो जाएगा ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, मुझे हेल्प करना यार। ठीक है करूंगा। तो फिर मैं सुनील वर्मा नहीं हूँ, इस बात का उसे शक हुआ तो? उतना उसको दिमाग नहीं है, अगर उसके पास दिमाग होता तो मैनरलेस फेलो से प्यार क्यों करती? बोलो, तुम दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहनकर भारी वॉइस में बात कर रहा है। देखिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फैशन शो देखने के लिए कहा था, करने के लिए नहीं। Oh, what is this? I'm sorry, Appu. I apologize on his behalf. बाबू, ये रैंप वॉक है, इवनिंग वॉक नहीं। संजना, कौन है ये? I am Gold. और ये कौन है? Oh God, what to do? What are you doing? पहले जब कॉफी शॉप में मिले थे तब भी ऐसा अजीब बिहेव कर रहे थे। अगर वैसा बिहेव किया है तो वो बंगा राजा ही होगा। बंगा राजा? वो कौन है? कौन है ये? आई एम गोल्ड। और ये कौन है? ओह माय गॉड, वेयर इज माय बॉडीगार्ड। हाँ बिल्कुल, बिना बॉडी वाले को बॉडीगार्ड तो चाहिए। यू ए, लड़कियां मुझसे हाथ मिलाना चाहती है और तू हाथ उठा रही है। तेरी लाइन काट, ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप, गुड बाय। बेबी बेबी,
सर। बेबी 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 सुनो, बेबी कहाँ जा रही हो? टेस्ट की बहुत फिक्र मरने के लिए। बेबी सर सर क्विक रिजल्ट, गीता से फोन करके बोलिए कि मैं असली गोल्ड हूँ। अरे यार वहाँ वो बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है, तुझे गोल्ड की पड़ी है, तू ये मेरा कार्ड रख। हाँ? तू कभी भी फोन करेगा मैं मिलूंगा। सर 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 मुझे मारना नहीं। यहाँ नहीं। पकड़ इसे। ढूंढो उसे। मेरे जैसा कोई और है, अपने बॉस से जाके बोलना। ठीक है भाई, वो यहां पर है। इधर है वो। कहाँ है वो? ये रहा। बस बस कर भाई। भाई। डोंट शूट। वो मर गया तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी 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 भैया, मैं वो नहीं हूँ। अरे रुक जा यार, रुक जाओ यार, डेंजर है भाई। सुनोगे नहीं तो ऐसा ही होगा ना। तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ। महादेव के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दरअसल मैं सुनील वर्मा तो मिल ही गया रे, टीवी में कैटवॉक करते हुए मिला। अरे यार आप लोग कौन हो यार? बाकी का 95 पेपर में आने से पहले मेरे पास आना चाहिए था, बोला था ना रे तुझे। सर मैं पेपर में तो आया लेकिन तू नहीं आया, तो मैंने पेपर को फाड़ दिया। अरे यार अभी तेरे भाई को भी फाड़ दूंगा मैं। आजा प्यारे आजा, सेव वर्ल्ड ग्लास फैक्ट्री में हूँ मैं। आएगा तो बुद्धा के साथ आ, नहीं तो पैसे के साथ आ। रुक तेरे भाई के साथ एक सेल्फी भेजता हूँ मैं।
सेल्फी प्लीज विद ब्लड फेस। सर मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं सुनील वर्मा नहीं हूं, मैं बंगा राजा हूं। ओ बंगा राजा। हाँ। अगर तू बंगा राजा है तो मैं दंगा राजा हूं। सर उसके पैर में 6 उंगलियां हैं, मेरे पैर में 5 उंगलियां हैं। और मेरे सिर पे सींग हुआ है तो क्या करूं रे? देखिए सर आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरी एक्टिंग गजब की है, थोड़ी मुझे भी सिखा दे, सुना है पॉलिटिक्स में बहुत जगह बाकी है। ओहो तो आप ही बताइए मैं कैसे यकीन दिलाऊं। तो फिर एक काम करते हैं, तेरे जैसे हूबहू दिखने वाले को यहाँ पे लेके आ जा तो मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा, नहीं तो हे भगवान मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। गुस्सा नहीं आ रहा तो थोड़ी और प्रैक्टिस कर, उसको लेकर आ और इसको लेकर जा, नहीं तो मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ। अरे यार अब आप कौन बोल रहे हैं मेरे भाई? सुनील वर्मा। ए बंगा राजा, तूने मेरे लिए एक अच्छा काम किया, बिल्कुल मेरे जैसा पैदा हुआ, तेरी वजह से मेरे काफी सारे काम आसान हो गए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन, सुनील वर्मा को हर्ट करने का मतलब है लाइफ लाइन को कट करना। आखिर तू है कहाँ? मिलने की इतनी जल्दी क्या है? हाँ फिर भी अगर मिलना ही है तो चूहा और बिल्ली का खेल खेलते हैं, मजा आएगा जब चूहा बिल्ली को ढूंढेगा। जस्ट मिस हो गया वो। जस्ट नो मिस। जो लोग गेम हारते हैं उनका कलर ही गेम चेंजर होता है। जस्ट नो मिस। मुझे शक था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने में कोई कमी रखी होगी, अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी माँ की गलती है, अब से मैं संभालूंगा, तुम कहीं हॉलिडे पर चले जाओ, जाओ। दस साल पहले गया हुआ मेरा बड़ा बेटा। मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ ना चाहते हुए भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। तुम्हारी वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अभी तक तेरा भाई घर पर नहीं आया, कब से फोन करी हूँ पर लग ही नहीं रहा है। ओ, वो क्या है कि उसे ब्रांड फ्रेंचाइजी के लिए अर्जेंटली यूएसए जाना पड़ गया। माँ यूएसए गया है? जाते वक्त आपका फोन ट्राई कर रहा था पर लगा नहीं। मैंने भी ट्राई किया था माँ पर लगा नहीं। बेटा तू सच कह रहा है ना? तुम टेंशन मत लो माँ, भाई बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा उसके साथ तू जो है हर हाल में भाई की हिफाजत करूंगा, तुम्हें किसी भी सूरत में दुखी नहीं होने दूंगा। हाँ गीता मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मेरे पैंट की जेब में है। और पैंट कहाँ है? किसकी पैंट? मेरी पैंट कहाँ होगी, मेरी कमर पे है। तुम कहाँ हो? किचन में। माँ सासू माँ। सास नहीं तुम्हारी तो जान ले लूंगी। कौन है तुम्हारा दामाद? थैंक्स गीता। मार डालूंगी तुम्हें। मार देगी तो अमेरिका कैसे जाएगी? रुको ना। मैं रुक नहीं सकता, अर्जेंट भोंगी रेलवे स्टेशन जाना है। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, आज सबमिट करना है। तो मेरे काम करो, तुम भी रेलवे स्टेशन आ जाओ, वहीं तुम्हारा पासपोर्ट देता हूँ। ठीक है तुम पहुँचो मैं भी। अच्छा ठीक है
चौधरी सर से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट भी बनवा देता हूँ। चौधरी सर, अब ये गधा कौन है? ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। वो गधे नहीं है, बहुत अकलमंद है, एक नंबर के बदमाश नहीं है, अच्छे इंसान है। ला फोन इधर दे तू। सुनो बेटी, कट हो गया है सर, वो बहुत गुस्से में थी सर। टेंशन मत ले, स्टेशन पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गीता तुझे मिल जाएगी, डोंट वरी। सिर्फ गीता से ही नहीं मिलेंगे सर, उस सुनील वर्मा से भी मिलेंगे। सर जल्दी चलिए सर, ट्रेन निकल रही है, ट्रेन छूट रही है सर। नेक्स्ट स्टेशन। टिकट, जल्दबाजी में चढ़ गई, टिकट लेने का वक्त ही नहीं मिला। टिप टॉप रेडी होने का टाइम है, टिकट लेने का टाइम नहीं है। हेलो टिकट? नो टिकट, आई वाज इन अ हरी, विल टेक इट इन द नेक्स्ट स्टेशन। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? या। वादा निभाना? पक्का? या। डॉक्टर बासा अलियास दुर्वासा, बिना टिकट लिए मेरे ट्रेन में चढ़ना और टिकट लेके नर्क में जाना एक ही है। हैंड्स डाउन। तुमने ट्रेन में क्यों बैठने को बोला? फ्लाइट से हम दोनों आउट ऑफ इंडिया चले जाते। सॉरी, माफ कर दो। मैं भी सॉरी हूँ, तुम हमें गलत समझ बैठी। मेरे बूढ़े बाप ने शॉप वाले आदमी के साथ मिलकर मेरा शो बर्बाद कर दिया, हम अलग भी उनकी वजह से हुए, इसलिए मैं घूम कर आ गई। चुंबक की तरह क्या चिपक कर खड़ी हो, छोड़ दो उसे। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी, तुम डरो मत डार्लिंग, इन्हें डैडी के पोस्ट से निकाल कर वॉचमैन की पोस्ट पर ट्रांसफर करेंगे। तुझे तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। इमरान के पप्पी के जैसा, मुन्ना भाई की झप्पी के जैसा मेरा डार्लिंग बहुत प्यारा है। अबे तू तो छोड़ दे। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मगर आपकी बेटी छोड़ ही नहीं रही तो क्या करूँ। यस आई एम बंगा राजा। मेरे डार्लिंग ने कहा इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ी, सीट पर बैठने को बोला इसलिए बैठी, उसने मुझे किसी भी स्टेशन पे पिकअप कर लूंगा बोला है इसलिए वेट कर रही हूँ। हम लोग भी वेट करेंगे सर, और कोई चारा ही नहीं है। सुनील वर्मा एक सुनामी है, उसका सामना मत करना। एक बार भी उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मेरी बच्ची है फिर भी सोचूंगा नहीं, धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। मेरा ही नसीब बदनसीब। गीता? गीता तुम ट्रेन में क्यों चढ़ी? तुम ट्रेन में क्यों चढ़े? इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए, लेकिन ये मेरी कुछ नहीं है। मतलब इस लड़की को पकड़ के उस तक पहुँचूंगा, इसलिए। वो कौन है? ये है। अब ये बेवकूफ कौन है? सुनील वर्मा। मिस्टर चौधरी। तो फिर ये कौन है? मेरी लवर है। ओहो, हम दोनों का टेस्ट सेम सेम है। तुझे शर्म नहीं आती? व्हाट्सएप पे जैसे फोटो शेयर करते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती हो? तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ सही कहा, लेकिन इन्हें घटिया मत कहना। हाँ ये तो ऐसा ही है, मगर मेरा बाप नहीं है। तुम बंद कर और तू सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट सर, आप बोलिए। बात ये है कि जरा खुलकर बोलिए। बेबी मेरे ऊपर गुस्सा हुई है, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। अभी बंगा राजा की बात पर आऊंगा तो मेरी बेटी से प्यार करने वाला ये नहीं बल्कि ये है। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दे दूंगा गीता। Don't touch me. मुझे मिस करना तुम्हें पसंद नहीं है ना? तुम्हें नहीं, अपने हाथ पर मिस करने से डर रही हूँ। मतलब वो टीटी तो इसी तरफ आ रहा है। हाँ तो बिना टिकट के ट्रैवल किया तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो क्या करेगा वो? ट्रेन से बाहर फेंक देगा क्या? हाँ फेंक देगा। उसमें क्या, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाऊंगा तो मुझसे शेक हैंड करके मुझे सीट देगा, सीधा मैजिक। सुनो, टिकट क्या?
मुझसे टिकट मांग रहा है? एक दूंगा ना, एक नंबर के लिए चला जाएगा। मैं सीनियर कॉर्पोरेटर हूँ, मुझसे टिकट मांगेगा? तू कॉर्पोरेटर है या कार का कॉर्पोरेटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बिना टिकट के तू मेरे ट्रेन में घुसा कैसे? ए, तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। सस्पेंड कराएगा? और क्या? पक्का? यस। कराएगा? हम्म, क्या करेगा? वादा। तुझे सस्पेंड करवाऊंगा। सस्पेंशन नहीं, अवार्ड मिलेगा। रेलवे से गद्दारी नहीं बेवकूफ। टिकट? टिकट नहीं है, फाइन दूंगा। पक्का? लेकिन पर्स किसी ने चुरा लिया। तुम्हारी जिंदगी मैं चुरा लूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। तू यहाँ छुपी है, मैंने देख लिया है, तुझसे बाद में निपटूंगा। लोगों का पर्स गुम हो जाता है ना। मेरे पासपोर्ट कहाँ है? छुट्टी में फिल्म देखने जाना, ट्रेन में चोर आना, दोनों बातें कॉमन है। पासपोर्ट कहाँ गया? पासपोर्ट गया? टेंशन मत लो, अभी टेंशन लो, सच में खो गया है। यू इडियट, अब तुम गए। मेरा पासपोर्ट दो मुझे। अरे अरे, तुम मुझे मार रही हो इसलिए नहीं रोका, तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो इसलिए रोका। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है ना? पर मैं छोड़ कर जाऊंगी, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरी जेब मारने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो तो नहीं? थैंक्स। इट्स ओके सर, को 10 रुपए के चने देना सर, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। आप जैसे लोगों के रहते हम कभी परेशान नहीं होंगे। ओके। टिकट सर, थैंक यू। अरे बंगा राजा। अरे रंगा। अरे बंगा। हम फिर मिल गए रे, क्या चाल है? तू तो मोटा हो गया। वैसे जा कहाँ रहा है तू? मैं अपने काम जा रहा था। काम से जा रहा है या काम करते हुए जा रहा है? मेरा दिन अच्छा बीतेगा और 4 पर्स मिलेंगे, ऐसा मुझे किसी महानुभाव ने कहा था। कौन है वो? मेरा बाप। ओ फुलझड़ी, तू भी इधर? बंगा राजा से शादी करके सेटल होने के लिए स्विट्जरलैंड और हनीमून मनाने वही जा रही है क्या? कोणार्क एक्सप्रेस से कोई स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता है? स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देख, अगर तूने इसका पासपोर्ट लिया है तो लौटा दे यार। पासपोर्ट मतलब वही ना, एयरपोर्ट में फैशन जैसा हाथ में पकड़ के राशन कार्ड की तरह दिखा रहा था, उसका मैं क्या करूंगा? अरे बस बस बस, ये औरत पता नहीं किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालती है। लो देख लो, यही है। ओ अच्छा, यही है तेरी पासबुक? मैं पर्स समझ के चुरा ली था, मुझे क्या पता ले लेगा तू। तो चोरी करने से पहले इंसान का चेहरा नहीं देखता? बोला तो था यार, इस धंधे में कभी भी चेहरा नहीं, सीधा पर्स देखना चाहिए। तू तो इंटेलिजेंट है यार, बिल्कुल हमारे पप्पू की तरह। अरे वाह, आई वांट टू फॉलो 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 फॉलो, आई वांट टू फॉलो फॉलो फॉलो। गीता छोड़ो मुझे। गीता सुनो, तो मेरी बात तो सुनो तुम। संजना तुम कहीं जाओ मत, वहीं रहो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी, ना मुझे छोड़ना है और ना उसे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अरे तू कहाँ गायब हो गया राजा? मेरा एग्जाम ले रहा है क्या? एग्जाम से मुझे एलर्जी है रे राजा। एक बार एक लेक्चरर ने मेरा एग्जाम रखा था तो मैंने उसे ही मार दिया था राजा। फिर से एग्जाम मत रख, जो बोला वो जल्दी करके आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भागने की क्या जरूरत है, ट्रेन ही हमें भगा के ले जा रही है। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ बंगा राजा? बाप रे, बस मारते तुमने पकड़ लिया, तगड़े इंसान हो, लो रख लो। सर पर्स तो नहीं चुराया लेकिन जरा गोल्ड ले लिया मैंने। उसे पकड़ रहे।
सर आपकी बेटी कहाँ है? उधर है। मुझे लगा वो अभी तक चढ़ी नहीं। अरे वो चढ़ी नहीं होती तो मैं इधर क्या करता? मगर ये नहीं छोड़ेगा मुझे। ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। सर सर वो लोग सब विदाउट टिकट हैं। ऑलमोस्ट 15 टिकट्स। रेलवे को मुफ्त की सवारी बना रखा है। देख जाइए टिकट्स। चल हट। पागल है क्या? तुझे पता है किसकी ट्रेन में बैठा है? एक झटके में ट्रेन के बाहर होगा तू। क्या है? ओके, आ रही हूँ। बात करो। कौन है? तुम जिसे ढूंढ रहे हो सुनील वर्मा। ए बंगा राजा, तू क्या सुनील वर्मा को ढूंढेगा? सुनील वर्मा की नजर 24 घंटे तुझ पर है। यकीन नहीं होता तो बाहर देख। तू कहाँ जा रहा है? कूदने के लिए। उसके जैसे ही मरेगा तू भी। आजा आजा। अरे सुनील वर्मा, ऐसे मेरे साथ खेलो मत। महादेव साहब से बात करो। तू तो गया। सर आपकी मूर्ति मैंने नहीं चुराई। मैंने मूर्ति के लिए फोन नहीं किया तुझे। जिस महादेव से सारी दुनिया डरती है, उस महादेव के घर में आने की हिम्मत की, और वो भी 30 लोगों की आंखों में धूल झोंक कर। सर मेरी बात एक बार सुनिए तो। सर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं भी एक चोर हूँ, और मेरे जैसे चोर के घर में तेरे जैसा नालायक चोर घुस आए, ये मुझे मंजूर नहीं। तुझे बड़ा बेटा कहने वाली बुढ़िया को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, यही सोच रहा है ना तू? सुनो बेटा। माँ। बेटा। माँ। तूने मेरे इंटेलिजेंस की इंसल्ट की। सर सर मैंने कुछ नहीं किया। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा कोई हमशक्ल है। सर सच कह रहा हूँ। तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है बताऊँ? तू कोई सेलिब्रिटी गेस्ट है और मैं तुझे सारी कहानी सुनाने वाला होस्ट हूँ। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। नहीं सर। उसके बचने के चांस है या नहीं ये उसके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करेगा। नहीं सर नहीं। माँ जी इधर देखिए। सर सर मेरी बात तो आपके बारे सर में जो सोचा है वो पूरा करूं। सर मेरी माँ पर हाथ मत उठाइए। हे भगवान। फोन पर तुझसे बात करते हुए मारने में बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। एक छोटा ब्रेक लेता हूं और बहुत जल्द वापस आता हूं। Oh!
कहाँ सुनील वर्मा बता। तू भी आ गया, रुक जा, अब तेरा भी खेल खत्म करता हूँ। ठीक है आ जा, लगता है तू सुनने के मूड में नहीं है। मेरी नजरों से दूर गया तो ये छोड़ दूंगा, क्या समझा? मैं यहीं हूँ। 5 मिनट में मेरी माँ कार में नहीं बैठी तो इसका पैर तोड़ दूंगा, और 1 घंटे में मेरी माँ घर नहीं पहुंची तो इसका सर फोड़ दूंगा। तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो कहेगा कि मुझे मार डाल। मेरे ख्याल से वो अब तक तेरी माँ को मार चुका होगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को। मेरे बेटे को छोड़ दो। प्रोग्राम का होस्ट मैं हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटूंगा। सुनो बेटा। हाँ माँ। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। मुझे पता है बेटा, तुम गलत कर ही नहीं सकते। मगर अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, जिसे मैं ठीक कर दूंगा। संभल कर बेटा। भाई, मैं यही हूँ आपके सामने। बोल कहाँ है? कहाँ है सुनील वर्मा? सच में मुझे नहीं मालूम, मैं बस उसके टच में रहता हूँ। सुना है कि वो तुम्हारे जैसा है। राधे मुझे। ये आखिर तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? इसी ने फॉलो करने को कहा था। सुनील वर्मा गैंग का ये खास आदमी है। इस गैंग के मेंबर कितने हैं? मैंने क्या गलती की? तुम लोगों ने मुझे ही टारगेट क्यों बनाया? मुझे जो मालूम है बताऊंगा। महादेव के बैटिंग का पैसा लाफिंग बुद्धा के रूप में हांगकांग से मंगवाया गया है, जो एक जगह छुपा कर रखा गया है। ये बात सुनील वर्मा को पता है, लेकिन वो कहाँ है इसकी डिटेल्स महादेव और सहदेव को ही पता है। वो मूर्ति कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि महादेव के बेटे को पकड़ा जाएगा। उसे कैसे टारगेट करना है यही सोच रहा था जब तुम दिखे, और मुझे लगा तुम ही सुनील वर्मा हो, और इसी गलत फहमी में तुम मेरे टारगेट बन गए। उसके बाद सुनील वर्मा ने प्लान बनाया कि किस तरह से उसका बेटा ट्रेन में चढ़ेगा। उसके ट्रेन में चढ़ने तक और तुम दोनों के ट्रेन से बाहर कूदने तक सब कुछ जैसा उसने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ। बाद में पता चला कि तुम सुनील वर्मा नहीं हो। अगर ये सुनील वर्मा इतना बड़ा तोप है तो उसी सहदेव के पीछे पड़कर उसे पकड़ना था ना। सुनील वर्मा दिमाग से काम करता है, ईगो से नहीं। अगर उसका प्लान फेल हो जाएगा तो तू मिलेगा, सुनील वर्मा नहीं। चलो उठा, उसे बोल के तेरे प्लान के मुताबिक सहदेव मिल गया है, ये ले। सहदेव इस समय पोडियल के बाजू के फार्म हाउस में है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। आने दे सालों को, एक एक को मार के साथ में इसे भी खत्म करके महादेव के सामने फेंक दूंगा। जल्दबाजी में एक बात बोलना भूल गया, तुम्हारा भाई हमारे पास ही है, वो भी सुनील वर्मा का ही आदमी है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहनकर भारी वॉइस में बात करता है। अभी तक तुम सब ने मेरे साथ खेल खेला, अब मेरी बारी है। और सुनील वर्मा को पकड़ के मेरे भाई को मैं बचा लूंगा। Thank you.
सुनील वर्मा को टच करेगा तो जल जाएगा। इसे छूना यानी यमराज को बुलाना। एसवी, तुम यहाँ कैसे? और कहाँ रहूंगा मैं? मूर्तियाँ मिलने तक सामने नहीं आऊंगा, ऐसे कहा था ना। तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए मुझे आगे आना पड़ा। बंगा राजा का क्या हुआ? हमेशा ठंडे रहने वाले बंगा राजा को आज गुस्सा आ गया। उस पर जुल्म हुआ और वो भड़क उठा। इनकी बैंड बजा कर गया। बंगा राजा में उतना दम था क्या? दम हर इंसान में होता है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। टाइम आता तब वो उसे दिखाता है। आज उसका टाइम आ गया, अपना काम किया और चला गया। इसे यहाँ छोड़कर कहाँ गया? वो मेरी ग्रिप में ही है। हीरोइन के मेकअप मैन की तरह यहाँ वहाँ थोड़ी घूमेगा वो। सहदेव है ना, बस हो गया। मूर्तियाँ कहाँ है कुछ पता चला? पता लगाने के लिए इसे जगाना होगा। ये कब उठेगा? आइडल्स कब मिलेंगे? करोड़ों कब हाथ में आएंगे? लड़कियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इतना सब्र क्या कम है? डार्लिंग, यू आर टू गुड, यू आर टू हॉट। आई मिस यू। देन किस मी। सबके सामने? कोई आगे हो या पीछे, मुझे किस करना है। आई डोंट केयर। बदमाश कहीं के? तुझे देखकर बदमाशी करने का दिल करता है। धोनी के रन्स की तरह, ऋतिक के डांस की तरह मन उछलने लगता है। क्यों रे, मुझे गुस्से से देखेगी? ये आंखें किसे दिखा रही है? अपनी आंखें बंगा राजा को दिखा। मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ, मेरा गुस्सा तो खुद पर है। क्यों, उस बंगा राजा पर विश्वास करके इतनी दूर आई इसलिए? नहीं, इतनी दूर आने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया इसलिए। मतलब तू उस बंगा राजा से प्यार करती है? इतना ही नहीं, मैं बंगा राजा से प्यार करती हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इतना ही प्यार करता है तो उसे तेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। वो हर पल मेरे साथ ही है। उसे फोन करता हूँ। रुको, वो यहीं कहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत भगाया है। आज तू बचेगी नहीं, आजा। ए, आज इसे भागने मत देना, पकड़ो। अपने हाथों से मैं ये काम नहीं कर सकता साहब, ये मेरी आंखों के सामने ही बड़ी हुई है। ए, मैंने जो एक बार कह दिया वही करता हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो रही तो उधर घूम जा। जा बेटी, वो नहीं मानेगा, जा। अब तो भगवान का ही सहारा है। भागना नहीं है, और ड्रिंक के साथ बिरयानी पक्की। कौन है रे? अच्छा चांस मिस हो गया। ए, तू कहां से आ गया? फार्म हाउस में प्रकाश राज खेती करता है ये तो सुना है, लेकिन ऐसा गंदा काम करता है ये आज पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या बात कर रहा है तू? ये आदमी मना कर रहा था फिर भी तुम ऐसा कर रहे थे। मना कर रहे थे साहब, हमें भी पसंद है। क्या, तुझे भी ये पसंद है? मतलब हमें भी थोड़ा मिल जाता है साहब का होने के बाद। हर रविवार को हमारा ये मामूली काम है साहब। अरे हम लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं बे? तू यहाँ आया ही क्यों? तू यहाँ क्यों आया बे? तूने वहाँ जो किया उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा ये बता, तू अभी किसको फंसा रहा है? इस बार पूरे ग्रुप को फंसाया क्या? बंगा राजा मिला क्या? ये कौन है? अरे तू कौन है? बंगा राजा तेरे सामने खड़ा और तू बंगा राजा के बारे में पूछ रहा है? तुम जानते हो बंगा राजा को? तुम जानते हो? जानता हूँ। नहीं जानते हो? ए, तुझे दिमाग है क्या? तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपने पैंट से बड़ा पॉकेट सिलवा लियो। ब्लडी फूल, तू है गोभी का फूल, यही है बंगा राजा। नहीं, सुनील वर्मा। कौन सा वर्मा? सुनील वर्मा। अरे वर्मा, यही है बंगा राजा। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे पहचान कैसे लिया था तुमने, बताओ जरा। मैंने सिर्फ यही पूछा कि तू यहाँ कर क्या रहा है। अगर तुझे किसी ने नहीं बुलाया तो आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है, बताओ रे। ये फॉर्म हाउस हमारे सर का ही है। वो कौन है? वो मैं हूँ। हमें भी भूख लगी है, हमें भी कुछ मिलेगा तो। एक दो रहेंगे तो ठीक है सर, इतने सारे लोगों को कृष्णा विनी कैसे संभालेगी? भाग्यलक्ष्मी को भी तैयार करूँ क्या?
नहीं नहीं, भाग्य लक्ष्मी मुझे अगले संडे के लिए चाहिए। भाग्य लक्ष्मी मुझे अभी चाहिए। ठीक है काट दे। काट दे मतलब? मुर्गी को काटे बिना कैसे खाएगा? भाग्य लक्ष्मी मतलब मुर्गी? कृष्ण वेणी का मतलब भी मुर्गी है। तो क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, मगर यहाँ ऑडियंस कौन है, एक्टर्स कौन है, मुझे बस इतना ही जानना है। पांच मिनट में मेरे फार्म हाउस को खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। और आखिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ये तो किसी सीआर के चिल्लाने की आवाज है। अरे ये यहाँ कौन पड़ा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद बंगा राजा ने इसे बांध कर रखा होगा। ऐसा ही हुआ होगा डार्लिंग। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लड़की कौन है? उस बंगा राजा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये आधे कपड़े वाली तुम्हें डार्लिंग क्यों कह रही है? मैं मेरे डार्लिंग को डार्लिंग कह रही हूँ। बहुत जोर की लगी है। सिंक हुआ है। मतलब वो बंगा राजा यहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा, ये तो क्लियर है। ये मंद बुद्धि वाला है। हेलो मास्टर, एक बात तो क्लियर है, तुम लोगों को बेवकूफ बना के नचा रहा है। वही बंगा राजा तुम सबको बेवकूफ बना के नचा रहा है। मुझे बस इतना जानना है कि इस वक्त मेरे फार्म हाउस में और कितने लोग हैं। ये यहाँ क्यों है? तू कौन है? तू कौन है रे? ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा है। बहुत जोर की लगी है। फिर से सिंक हुआ। अरे तो उसे छोड़कर क्यों आया? क्या और एक है? वो कहीं नहीं जाएगा, उसे बांध कर रखा है यहाँ। इसको बांध के रखा? किसने? बंगा राजा। तू बंगा राजा को जानता है? तू जानता है? जानता हूँ। जानता है तो हम में से बंगा राजा कौन है बता? मुझे पूछेगा? बहुत मार खाया है इसने। तेरी टाइमिंग अच्छी है, तू नहीं जानता मैं समझ गया। उसने वहां से जंप किया। तू बंगा राजा नहीं, वो तो ठीक है, तू बंगा राजा को जानता है क्या? बंगा राजा मतलब आपके पास जो कुरियर का काम करता था वही ना? है उसे मैं जानता हूँ। एक्सप्रेशन अच्छा है, चल निकल। लेटेस्ट बेस वॉइस ऐड किया है। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तो मेरी बात सुनो, यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। रुक जा, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। सुनाई नहीं देता? नहीं सुनूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी तो सेफ रहूंगी। प्लीज, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू मुझसे बात कर रहा है या उससे बात कर रहा है? मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। हाँ? अबे गधे, अपनी गर्लफ्रेंड पे कोई गुस्सा करता है? वेलकम बैक। तुझे तो मैं, मुझे तो क्या बे नीच कहीं के। तू मेरी माँ पर हाथ उठाएगा और मैं चुप रहूंगा, अब तो कैसे गिड़गिड़ाएगा ये मैं तुझे बताता हूँ। मेरा नाम महादेव है, मैंने एक बार बंगा राजा की माँ पर हाथ उठाया था, अब मेरा ऑपरेशन हो रहा है, इसके बाद शायद मैं बचूं या ना बचूं। अब तो नहीं बच सकता। तू है कहाँ? तेरे पास ही आ रहा हूँ बे। मूर्ति कहाँ है बता? विजयनगर में स्पिनिंग मिल में है। सुन लिया ना, अब तो उधर आ और मेरा सामना कर। चलो विजयनगर, गो फॉर द गोल्ड। बॉस वो फैक्ट्री में आएगा तो उसे उड़ा दूंगा। उसे रोकने का काम तेरा, उड़ाने का मेरा है। वाव, 900 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। क्यों रे, तू क्यों इतनी खुश लग रही है? तुम अपने बंगा राजा के बारे में सोचकर खुश हो और मैं अपने बंगा राजा के बारे में। सर, फैक्ट्री के सारे कैमरों को ऑफ कर दो। क्यों सर? जो बोलता हुआ कर। ए, कैमरे ऑफ कर। सर, कंप्रेसर रूम में चल। गंगा राजा! हाँ?
कड़क बॉडी है बे। तोंद कड़क नहीं है। यूसी, आ रहा हूँ। बेटी संभल के, बंगा राजा जितना सोचा था उतना सॉफ्ट नहीं है। अपने प्लान का काउंटर प्लान बना दिया। मूर्तियाँ इधर कंप्रेसर रूम में हैं, उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। वो सुनील वर्मा आ रहा है। वो मूर्ति कहाँ है ये पता चलेगा तो उसे पकड़ सकते हैं। चलो। लाइफ में अगर ऊपर जाना है तो टेम्पटेशन में फंसने का नहीं। ड्रॉप द गन। अरे हाथ कौन ऊपर करेगा? वो मूर्तियां कहां? नमत। अगर जरा सा भी हिला ना तो मैं। ये दे और ये ले। तेरी गन में क्या जंग लग गई है? तेरी तो शूट कर चलती। उधर कोई नहीं है भाई। अंधा बेवकूफ। भाई साहब, वो कंप्रेसर रूम कहाँ है बता सकते हैं? क्यों रे, खेल रहा है तू? प्लीज भाई साहब। गन फेंक। मूर्तियां कहाँ रखी है? चल बता। हाँ बोल। मूर्तियां कहाँ पर है पता चल गया? यहाँ जाओ। अबे आना किधर है? पूरी बात नहीं बता रहा। टेंशन मत लो, दोनों को ही मार डालूंगी। गीता गो अहेड। डस्टबिन कितना भी अच्छा हो उसमें कचरा ही डालते हैं। चलो। तेरी तो, अबे तेरी तो उधर देख बे। कहाँ है बे? गन पॉइंट पे जोक मत कर। उसी हाथ से वो भी ओपन कर देना। कर बेटा। कहाँ ये सुनील वर्मा? कहाँ? ए, कहाँ है बे तू?
मुझे देख के तुझे जितना शौक लग रहा है मुझे भी उतना ही शौक लग रहा है तेरा गुस्सा देख के बंगा राजा। शौक कैसा रे? पहले का बंगा राजा और अभी का बंगा राजा में बहुत बड़ा फर्क है। एक खरगोश है दूसरा कछुआ। एसवी, तुमने अगर और थोड़ा लेट किया होता तो ये मार डालता हमें। एसवी यानी श्रीनिवास। तो फिर सुनील वर्मा? अभी तक तुम्हें समझ भी नहीं आया, असल में सुनील वर्मा नाम का कोई है ही नहीं। सुनील वर्मा को हमने क्रिएट किया है। प्लान बनाकर गिरने वाले को खड़ा करके प्लान एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसका मजा अलग ही होता है राजा। छोटे छोटे स्कैम करने वालों को तुमने बड़ा स्कैम करने का मौका दिया। महादेव के पास जो आइडल्स है ना, उसका भाव 900 करोड़ है। उसका अमाउंट बड़ा है और रिस्क भी उतनी ही बड़ी है, तो उसके लिए प्लान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। चोरी करने में तकलीफ नहीं है, चोरी करते वक्त माल नहीं मिला तो तकलीफ है। वो हमारा एंट्री प्लान था और ये है एग्जिट प्लान। महादेव वो बाज है जिसकी नजर से आज तक कोई भी बच के निकल नहीं पाया है। बाज को सिर्फ उसका शिकार नजर आता है और उस खतरनाक बाज का शिकार हम सब ने तुम्हें बनाया। वेरी इनोसेंट एंड सेंटिमेंटल फिश। तुम्हारे इसके माँ से मिलने के बाद ही हमने प्लान बनाया था। एटीएम के वीडियो फुटेज को एडिट करके श्रीनिवास के फेस की जगह तुम्हारा फेस लगा दिया। जोर से मार। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा जोर से मारो। उसे यकीन होना चाहिए 900 करोड़ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। गुड शॉट। तेरे भाई को बचा ले, वो बेचारा मेरे पैरों में पड़ के बहुत रो रहा है। मैं मारना नहीं चाहता। फार्म हाउस में तूने सुनील वर्मा का एक्ट किया और हम लोगों ने वो मानने का एक्ट किया और तुझे और इसे यहाँ तक लेकर आए। तुम लोगों को मारकर सारी मूर्तियां लेकर जाएंगे और तुझे गायब कर देंगे और ऐसा सबूत छोड़ेंगे कि इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। स्माइल प्लीज। टेंशन मत लेना बंगा राजा, तू मरेगा तो ही तेरा भाई जिंदा रहेगा। तेरे नाम पर बैंकॉक का टिकट बनवाएंगे और तुम कहाँ छुपे हो महादेव तुम्हें ढूंढता रहेगा। उसके बाद हम किंग जैसी जिंदगी जिएंगे और महादेव का लड़का सहदेव वो डोर ओपन करेगा तो हम सारी मूर्तियां लेकर जाएंगे। सहदेव, तो अब आगे क्या होगा? और क्या होगा, दोनों को ठोक दो। मरने से पहले भगवान को याद कर ले बंगा राजा। माँ, तू ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि माँ बोलने से हम तुझे छोड़ देंगे? इतनी प्लानिंग की तूने, लेकिन एक माँ के साथ ऐसा करेगा ये सोचा नहीं था। क्या किया, क्या किया? उसने माँ पर हाथ उठाया। हाथ उठाया तो क्या हुआ, मार तो नहीं डाला ना? वैसे भी टेल मी दिस, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो बुढ़िया को तो फटके पड़ जाए, तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुझे मार भी डालूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। अपनी माँ के नाम ने तुझे बचाया, शुक्र माना। ए! अब तुम्हें तुम्हारा बाप भी बचा सकता है।
सर 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 आप रहने दीजिए, हम लोग देख लेंगे। पापा इसके साथ मत लड़िए, ये बहुत गुस्से में है पापा। मेरे बेटे पर हाथ उठाया। इसके हाथों से मार खाया, इतना कमजोर हो गया है तू? ऐसा बराबर, मैंने तेरे बेटे को मारा, तूने मुझे मारा, हिसाब बराबर। पर तूने मेरी माँ को मारा, उसका हिसाब अभी बाकी है। तुम लोगों ने क्रिकेट का सट्टा खिलवाकर कितने लोगों को बर्बाद करके मौत के घाट उतारा। तुझ जैसे बेईमानों को और तेरे उन सारे साथियों को जेल की काल कोठरी में डलवाऊंगा, तू देखता जा। गीता, कॉल द पुलिस। मैडम मैडम मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। आपकी आखिरी मूवी पूरी भीगने के बाद छाता क्यों सुपर मूवी है मैडम। क्या किरदार निभाया था आपने, क्या एक्टिंग की थी मैडम, हल्ला मच गया था मैडम। डीवीडी पर थिएटर में ऐसे 20 बार से ज्यादा देख चुका हूँ मैडम। 20 बार? पहली बार में समझ नहीं आई। मैडम आप मूवी से ज्यादा सामने खूबसूरत लगती है मैडम। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ मैडम। अरे बेवकूफ, मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। बिना टच की ले लूंगा मैडम। वो मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। असिस्टेंट असिस्टेंट। सरोजा तुम यहाँ किससे बात कर रही हो? पैंट्री वाला है। पैंट्री बॉय आया है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है? इडली, पोंगल, पूरी, वड़ा, ब्रेड ऑमलेट, केलॉग्स विद मिल्क मैडम। ऑर्डर ले लो। एक पोंगल वड़ा और एक पूरी भाजी। एक पूरी भाजी, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। मेरे लिए इतना काफी है, इन लोगों से भी पूछ लो कि इन्हें क्या चाहिए। इतना काफी है? मैं भी डाइट पर हूँ ना। हाँ, बॉडी फिटनेस इम्पोर्टेंट। मतलब 11 बजे आपको सूप नहीं चाहिए? सूप ही है? हाँ,
सूप है, बड़े बड़े पकौड़े हैं हमारे पास, समोसे बनेंगे। कटलेट मिलेगा क्या अभी मम्मी के लिए? नहीं मिलेगा, 4 बजे मिलेगा। कटलेट भी है? तो एक काम करो, पैंट्री मैनेजर को बोलो हीरोइन शीशा को कटलेट चाहिए, उसके लिए स्पेशल बनवाकर भेजें। अरे मैडम वो मैनेजर खूसट बूढ़ा हुआ है मैडम, पागल है वो। कौन है वो मैनेजर? उसका छोड़िए मैडम, ओल्ड फेलो। आपको कटलेट चाहिए ना? हाँ। मैं बनाकर लाता हूँ ना मैडम, स्पेशली फ्रेश ऑयल में बनाकर। अच्छा लड़का है ना ये, क्या नाम है तुम्हारा? मुखी मैडम। मुखी? किधर है मुखी? मैडम मैडम मैडम, मेरा नाम मुखी कुमार है मैडम। अच्छा नाम है तुम्हारा, लेकिन कटलेट फटाफट देकर आना। आपको जो भी चाहिए तो बुला लेना। हाँ मैडम। मुखी बार बार बुलाऊंगी। हाँ तेरी तो। हाँ सरोजा तू मुखी का नंबर ले ले। ले रही हूँ ना। बोलो। हाँ? बोलो ना। 916-677 तुम और मैं दोनों हो जाएंगे एक। हाँ तुम और कौन? 3411। तुम्हारा नंबर? मैं कॉल करूंगी पर मैं उठाऊंगा तब ना, फालतू नंबर मैं उठाता नहीं हूँ। नोट कर लो। बोलो। 999-4286-891। नाम? सरोजा। रोजा आर ए जे ए। ये क्या राजा क्यों टाइप कर रहे हो? ओ मिसिंग है क्या फोन में? फोन में लड़की का नंबर सेव करके रखते हैं तो रात को लड़के लोग नंबर निकाल कर मस्ती करने लगते हैं इसलिए। ओ कितना अच्छा गोल मटोल है ना। क्या? ये कुत्ता चिंकी। हाँ ये मन कर रहा है ऐसे ही प्यार करता रहूं। क्या है ये? हार्ट है। इससे पट जाएगी वो? इसको हार्ट बोलते हैं। तो कैसे पट जाएगी? जो सिखा रहा हूँ सीख, बहस मत कर। ब्लडी बेकर सड़ा हुआ टमाटर। बेटा सर बोल कर देना। क्या बोल कर देना है सर? मेरा दिल है बोल कर देना। मेरा दिल बोल कर दे दूंगा। हाँ। अगर उसका दिल बोलेगा तब तो उल्टा हो जाएगा ना। इनोसेंट बॉय। हम तेरे बिना अभी जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है। मैडम आपने जो अभी अपनी नई वाली फिल्म में गाना गाया था ना, उसके लिए कितने टेक्स दिए थे? एक एक लाइन 5 से 6 टेक में। 5 से 6 टेक? मैं तो कोई भी सॉन्ग बस एक ही टेक में गा सकती हूँ। वो सॉन्ग है ना, उसके दूसरे अंतरे में जाने मन वाली जगह पर थोड़ा सा सुर गया है बस, है ना? वो ऑटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरे बेसुरे गले से निकला हुआ गाना भी ठीक कर सकते हैं वो। मुझे किसी ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही गा सकती हूँ। आखिर तू है कौन? तू श्रेया घोषाल है ना? सुनिए ना। क्या? अब जब मैडम अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जाएंगी ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर सर को मेरा गाना भी सुनाने के लिए बोलिए ना। ठीक है मिलेंगे तो बोल दूंगी। कटलेट आ गया क्या? लाओ लाओ लाओ। सरोजा। हाँ चिंकी को पकड़ ले। कटलेट आपके लिए मैं खास बना कर लाया हूँ। ओए पैंट्री ये क्या है? कटलेट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, बाकी सबको राउंड शेप में दिया, मुझे हार्ट शेप में क्यों दिया? अब एक ही तो हार्ट है तो सभी को थोड़ी दे सकता हूँ, इसलिए सिर्फ आपके लिए। इसमें ये तीर क्यों बनाया? हार्ट बिना तीर का कैसे? ये हार्ट के अंदर तीर मारने का काम यहाँ नहीं चलेगा। तो कहाँ चलेगा? आखिरी बार बोल रही हूँ, आगे से जिसको भी दोगे ना एक ही शेप में देना, समझ गए? सभी एक ही शेप के हैं क्या? ए, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? चमची। हा? नहीं मेरे हाथ में डिब्बा और तुम्हारे हाथ में चम्मच, बस वही तो बोला। तुम अगले साल से मैं इस फर्स्ट क्लास में तो फ्लाइट में जाऊंगी, तब तुम देख लेना। फ्लाइट में जाओगी तो दिखेगा, फुटबोर्ड पर खड़ी रहोगी क्या? मैं उसके पंख पे बैठ कर जाऊंगी। सरोजा क्या कर रही है? सूप है, घुल गया है। सूप को अच्छे से मिलाकर पीना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी। ओ
जावेद अख्तर सर बोलिए ना, मैं ड्यूटी पर हूँ सर, क्या बात है? एक जबरदस्त शायरी आ रही है, जरा सुन लेना यार। राइटर साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने राइटर साहब है ना, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब। हेलो मुखी। हाँ मेरा खास दोस्त है। क्या हुआ सर, डाउट है क्या? डाउट सर, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर आ जाता हूँ। यार आज के बाद तू जो शायरी सुनाएगा मैं सुनूंगा। तू बोल रहा है सुनने को, मैं तो शायरी भूल गया। तू होटल में बैठकर सुनेगा तभी तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ सर एक मिनट यार। हाँ जुल्फों के गर्म साए में सर। क्या बोल रहा है? थोड़ा यूजुअल लग रहा है सर, और भी थोड़ा कुछ बेटर ट्राई कर सकते हैं क्या सर? अरे ये तो उससे भी पुराना लगता है सर। एक मिनट ना सर। जुल्फों की नरम छाव में कैसा रहेगा सर? ये तो पहले ही आ चुका है, अगर अच्छा है तो ऐड कर लीजिए। नकल मारूं क्या सर? अपने बीच क्या, धन्यवाद सर। ए, तू मेरी सुनेगा या नहीं? सर इतनी जल्दी दूसरी शायरी कैसे सर? पहली कहां सुनाई? ठीक है सर, मैं लिखने के बाद आपको फोन करता हूं सर। थैंक यू सर। ए, हेलो। तेरी यादें मुलाकातें। क्या चाहिए तुम्हें? सच में जावेद अख्तर सर को जानते हो? मतलब अब मैं इतनी देर जो बात कर रहा था तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं। वही तो ना। आप जावेद अख्तर सर को कैसे जानते हैं? वो कैसे बोले तो 6 महीने पहले ही, जैसे तुम आ रही हो ना, इसी कंपार्टमेंट में जावेद अख्तर जी दिल्ली से नेशनल अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे। हाँ। तब मैं ही उनको बार बार सर्विस दिया करता था। एक बार सर्विस देते वक्त मैंने देखा तो वो एकदम से परेशान होकर बैठे थे। वो क्यों? तुरंत पूछोगी तो कैसे? नहीं मैंने तुरंत पूछा क्या परेशानी है, तो बोले कि शायरी लिखने में फंस गया हूँ। वो फंस गए? हाँ और मैं भी। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत 4 लाइंस फ्लो में बोल दी तो यही शायरी करके फट से लिख लिया। ऐसे ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। वो जब भी फंसते हैं तो मुझे फोन करते हैं। इतने क्लोज हो गए आप दोनों? आजकल घड़ी घड़ी परेशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है। हैं? सर का अभी भी देखो ना, सर कह रहे थे जुल्फों के गरम साए में, मैंने कह दिया पुराना है, उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छाव में कहा तो उन्हें अच्छा लगा। जावेद सर से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों भरोसा नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, उनकी तो कई म्यूजिक डायरेक्टर से पहचान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस। ओह तो तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगर बनकर फिर अभी तुम्हें जावेद अख्तर जी से बात करनी है बस यही ना? मसाला चाय। हाँ बोल। जावेद अख्तर जी। छोरी छोरी सर, सर, छोरी। सर, अभी तक सोचा नहीं है सर, लिखते ही भेज दूंगा सर। अरे तू क्यों सोच रहा है, यहाँ तैयार है। देखा इतने में और पूछने लगे हैं, गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? जावेद जी अपनी पहचान की एक लड़की है। ओ। नाम सरोजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जावेद जी आपकी तो प्रीतम जी, AR रहमान जी ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पहचान है सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे। समझ रहे हो ना सर? हाँ समझ गया मुखी, वही ना? हाँ वही सर वही। फोन दे उसको। हाँ बात करो बात करो। जावेद सर है? हाँ बात करो ना। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं सरोजा, मेरी बहुत इच्छा है सर कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इच्छा जो है ना वो किसी की भी हो सकती है, इसीलिए सर मुझे गाना गाने का एक चांस, मुखी के दोस्तों से, इसीलिए नहीं। हाँ सर मेरा टैलेंट, सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर। कैप्टन कॉलिंग माइक टू, कहाँ हो? ओवर। रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंत जाना होगा। दरअसल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को। कल शाम तक उनके साथ ही रहूंगा। सरोजा एक काम कीजिए, मुखी के साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ओके सर, रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजिएगा। देखो बेटा सरोजा, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते हैं। जरा मुखी को फोन देना। तो जावेद सर की आवाज़ तो देवानंद जी से काफी मिलती है। अच्छा तो जावेद जी सुना ना आपने, आपकी आवाज़ इन्हें देवानंद जैसी लगती है। सेट हो रही है तो बिगाड़ना चाहता है क्या? हाँ रखता हूँ सर, भेजता हूँ सर। ओके रखता हूँ सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कौन सा गाना गाऊं? मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। अरे मैडम का सूप, मैडम को सूप देकर आती हूँ 10 मिनट में, तुम यही वेट करना। इंडियन गाऊं या वेस्टर्न गाऊं? नहीं नहीं नहीं, रहमान सर का कोई इंडियन म्यूजिक वाला गाना गाती हूँ, इंडियन ही अच्छा लगेगा। हाँ ये जगह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो गाओ।
तेरा बस बस तुम जो गा रही हो वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छे से सुनाई दे रहा है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं है। ए, मैं सिंगर हूँ बोलकर तुमने मेरा बकरा बनाया था ना? मैं क्यों बकरा बनाने लगी? मैं सच में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। कसम से सिंगर हो? वो क्या है ना, आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए। वो शूटिंग्स में अलग अलग जगह का पानी पीकर थ्रोट थोड़ा सा खराब हो गया है। थोड़ा सा? स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है। छोटे छोटे प्राइज भी जीते हैं मैंने। मम्मी भी कहती हैं कि मेरी आवाज श्रेया घोषाल जैसी है। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। मतलब गला खराब होने की वजह से ही आवाज ऐसी निकल रही है, ये बोलना चाहती हूँ? हाँ कसम से। मानता हूँ, पर जावेद जी को कैसे भी कल तक भेजना ही है और तुम तो 2 बजे तक उतर भी जाओगी। उसके पहले कैसे तुम्हारा सुर सही करूं, कैसे सिंगर बनाऊं? इलायची और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? थोड़ा क्या, बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो पीऊंगी तो मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। फिर गाना गाकर रहमान सर को सुनाऊंगी और रहमान सर उसे सुनकर मुझे चांस देंगे और फिर मैं फेमस सिंगर बन जाऊंगी। बन जाओगी? अरे बन गई। इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे। तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना। जरूर मरेंगे। ओह बहुत टाइम हो गया है, मैडम ढूंढ रही होंगी। मैं चलती हूँ, तुम दूध लेकर आओगे ना? अरे तुम टेंशन छोड़ो, मैं लंच टाइम में दूध के साथ आता हूँ। बड़ी इलायची और काली मिर्च डालकर लाना। हाँ डालकर ही लाऊंगा। थैंक्स। सच में मैं सिंगर बन जाऊंगी ना? तुम पक्का सिंगर बन जाओगी, आधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोषाल की तरह। अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोषाल। चित्रा घोषाल। DC Express is now arriving at platform of the National Award for the Best Female Playback Singer of this year 2016 goes to Chitra Ghoshal. Hey ma'am, Ari, ma'am, शीशा, इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। सरोजा, जरा मेरा पैर दबा दे। शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखता है ना सर? तुम कौन हो? मैं टीटीआर, पैंट्री मैनेजर। अरे आंटी, मैं आपको सोच कर नहीं आया था। तुम किसको सोच कर अंदर आया था? मम्मी, पता नहीं कौन है, क्या कर रही है, छोड़ी है ऐसे यहाँ पर? स्टूपिड फेलो, दिमाग नहीं है क्या? इज दिस द वे टू बिहेव? श्रीशा जी, आप मुझे गलत मत समझिए। इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। देख क्या रही है, जगह चीफ टीटी को बुला। इसे तो छोड़ो कि आप मुझे चप्पल नहीं मारिए। स्टेशन में उतरकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। माजी 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 माजी, कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का। पागल है माजी, पागल हुए। चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? हाँ जाना है। चीटी को बुला अभी, कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है? मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ। माफी मांगिए सर, माफी मांगिए। मैडम सॉरी मैडम। थैंक यू मैडम। सोचने पर भी थैंक्स बोल रहा है सर। चलिए, तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया। सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली वाइडली और ओपनली करो। वो तो मन की बात के बारे में कहा था। सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिखाई दी मुझे। हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर, यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप निकल चलते हैं। चिंकी, चिंकी, यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर। साउथ क्यों क्या? हाँ सर, आप ही साउथ से हैं? हाँ। साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओ, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीशा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम चित्रा घोषाल बनो, ये मैं भी चाहता हूँ। लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना देकर आती हूँ। अरे पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब करती थी। हाँ? डीएसपी सिंगम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी सोचा करोगे तो मुझे भी बुलाना, अब मैं गाना गा सकती हूँ। तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए, अकल नहीं है क्या, उसे लात क्यों मारी? ए, सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। ए, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? बताओ तुझे, दो कौड़ी का चाय वाला? नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। तुझे तो ना मुझे।
प्लीज सर, प्लीज बुला रहे, आजा सर, आता हूँ सर, बुला रहे, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मम्मी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ए, तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है, मारा ना उसे, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। ए, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों, उस आदमी की बात सोचकर अब तक डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर गाना है क्या? वो भी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने का मन किया तो आ गई। मेरा मन आज बहुत खुश है, एक गाना गाऊं? अभी कहा था मन में बहुत खुशी है, तो फिर गाना क्यों? अरे यार, जब भी मेरा मूड करेगा तो गाऊंगी ना। क्या मूड? गाने का। ओ। क्या हुआ? क्या है ना, यहाँ भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो हैं। हाँ? क्या क्या कहा? वो सो रहे होंगे ना, तो तकलीफ होगी इसलिए। अगर बिना डिस्टरबेंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छत पे जाना होगा। सुपर्ब आइडिया, अच्छा है। यहाँ के लोगों को ऊपर भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं। हैं? नहीं, ऊपर जाकर ही गाते हैं ना। मजाक है क्या, चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर कोई गाना गाता है? भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठती। तो खड़ी हो जाओ। मास्टर, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो, दवाई तो खा ली ना? हाँ खा ली है। चाय का डब्बा कितने का? ठीक है। हाँ। होगी 800-900 रुपए की। दे दे मुझे। तो फिर क्यों दिया? मजाक मत कर। मेरी गन दे दे मुझे। गन? वो तो तेरी नौकरी है ना, गई क्या? देख, मजाक मत कर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल्ली लोडेड थी। लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या? मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा ना। ओके प्लीज, दे देना गन, दे देना। अरे अपनी चीजें तो ठीक से संभाल नहीं सकता है तो ये काम करने का मतलब भी क्या है तेरा? मुखी, अब यार इतना बुरा भला तूने मुझे कह दिया तो अब क्या बोलना चाहिए तुझे? दे देना। तब क्या बोला था तू? दोनों को गोली मार देगा? क्या बोला था ये? मार के फेंक दूंगा। मार के फेंकेगा? इस पर हाथ उठाता है। गलती हो गई, अब दे दे। सॉरी बॉल। सॉरी यार। हाँ? क्या? सॉरी सर। मैडम से बोल, बोलना। सॉरी। ए, ये क्या था? अच्छी तरह से फील करके हंसते हुए बोल, हंसते हुए। वो कैसे? बोलना। सॉरी। ए, 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 क्या कर रहा है ये? तूने जैसा बोलने को बोला वैसा। हाँ, बस बस, कैसा बोला देखा ना? छी, इसे तो देखकर ही घिनाती है मुझे। तुझे भी पसंद नहीं है क्यों बे? तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? तो गन वापस नहीं करनी है ना? सोचती हूँ, देखते हैं। अरे मुखी, 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 चित्रा खुशाल प्लीज। गन कहाँ रखी है तुमने? मुझे क्या पता है? सुनो सुनो, देखो हम दोनों एक ही जगह के हैं ना, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से एक ही जगह से। इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता, तुम एक बुरे इंसान हो। चलो मुखी, चलते हैं। मुखी प्लीज मुखी। अच्छा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छे लोग तो समझ गया, बुरे लोग मतलब? बुरे लोग मतलब प्लीज बुरे लोग जो बुरा करे, झूठ बोले, कुल मिलाकर ऐसा जो फ्रॉड हो। मुखी, ये भी ना चिक चिक कर रहा है यार। मुखी मैं तुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे दे यार। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है दे देता हूँ। प्लीज एक घंटे के बाद आकर ले लेना। अरे ये तड़ा में उतर जाएगी, उसके बाद दूंगा। गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया तो। ओहो, प्लीज। अरे यार इतना बोल रहा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा है।
प्लीज मुकी, भगवान के लिए मुझे मेरी गंदे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं, कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। और अचानक माँ जी आ गई तो? माँ जी आ गई तो क्या, मैडम जी पैंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हा? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हा? और चिंकी? चिंकी, अरे ये सर तो ऐसे बेकार खड़े है ना, इन्हें दे दो दे दो दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? हो रहा है, चलो ना। रुचा तुझे बाद में बताता हूँ। ये क्या है, कहाँ से आ रही है तू और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ ऊपर। मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी, ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं, सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओह, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया। अच्छा, श्रेया घोषाल बनेगी? कभी आवाज सुनी है अपनी? गधे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाया जा रही कौशल नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते। हम दोनों एक ही एज के हैं ना, खुद चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कौशल बोला, देखो क्या हो गया ये इरेस्पॉन्सिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास आ करके सोया था, तू मेरी क्या रक्षा करेगा? इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो। जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने, और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात की। फोन पर बात की थी? हाँ। तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी, कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन मुखी, करो ना। क्या हुआ मुखी, बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जा, कह रहा हूँ ना, जा। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं मुखी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं, जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम आठवीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी? सुन, तू चुपचाप से माँ जी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा, और अगर ये दोनों ना कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ मैंने धोखा दिया, क्यों? तुम्हें पाने के लिए, उसके लिए तुम्हें ही नहीं इस दुनिया को धोखा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे, कुछ दिन के लिए नहीं, आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूँ। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना, अब रह लो। सरोज।
हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो। ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे, तुम यहाँ खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें खेलने वाले कपड़े में दिख रहा हूँ? राजनेता हूँ मैं। हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो। अभी ये मुद्दा छोड़ दो, ये सब बाद में देख लेंगे, या फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाओ। दूसरे ट्रैक पे जाने की राय तुम दोगे? एक पार्टी खड़ी करने में कितने ट्रैक बदलने पड़ते हैं मालूम है? एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कूदना पड़ता है, कूदने के बाद फिर दूसरे ट्रैक पे जंप मारते हैं। एक ट्रैक में फंसते हैं तो हम भी पीछे भागते हैं। मैं उस ट्रैक की बात नहीं कर रहा था, सॉरी सर। ट्रेन तेजी से चली आ रही है। क्या तेजी से चली आ रही है? अपने मंत्री जी को देखने के लिए हमारा सीना फटा जा रहा है। हिम्मत तो मेरे ऊपर से ट्रेन लेके जाने को बोलो। उठा क्यों रहा है? मंत्री जी उतरेंगे फिर इसे कंधे पे रखूंगा। मंत्री जी कहाँ से उतरेंगे? ट्रेन रुकने वाली है क्या? एक आतंकवादी उसे चला रहा है। सर, वो साधारण आतंकवादी होगा, हमारे नेताजी महान आतंकवादी हैं, अहिंसावादी हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ट्रेन से टकरा कर चटनी बन जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों रे? हमारे नेता को छोड़ दो। चैनल वाले आते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं दे रहे। आप महान ना हो जाए इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं। भगाना चाह रहे हैं? इनका कुछ नहीं होने वाला, बुलवाऊंगा। ऐसी बीमारियां देश से आसानी से साफ नहीं होंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये अपने आप साफ हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस को फोन कर दो। एम्बुलेंस क्यों सर? काम हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन की गाड़ी साफ करके ले जाएगी। सर ट्रेन आ रही है सर, चलो पीछे चलो, चलो 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 सब पीछे हटो, पीछे 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 हटो, पीछे 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 हटो। ट्रेन आ रही है ना? हाँ नेताजी। तो फिर भीड़ को देख के उसे हॉर्न मारना चाहिए ना? बिना हॉर्न दिए चली आ रही है, कहीं ठोक तो नहीं दी? लगता है आपको देख कर डर गई होगी, इसलिए हॉर्न दिए बिना आ रही है। नेताजी ये तो बहुत स्पीड में लगती है। मुझे भी वही लग रहा है, कहाँ चले गए? आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है। इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है, बताइए सदाशिव जी। इन आतंकवादियों को धन्यवाद करना चाहिए, मेरी 40 साल की राजनीति में मुझे एक ही दिन में हीरो बना दिया है। आप जैसे अच्छे नेता को तो 40 साल पहले हुआ कर लेना चाहिए था। मुंह बंद रखो। और फिर रंगराजन जी जो अगवा किया जाए, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है वो। अगर तुम्हारा नाम होना शुरू ही हुआ है, पार्टी क्यों फ्लाइट में भेजने की बजाय ट्रेन में भेजती? इतनी बड़ी हस्ती नहीं है वो। जानते हैं वो कौन है? अरे वो बहुत सरल इंसान है, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। फ्लाइट की टिकट जो नहीं देते, अपहरण हुआ है ये जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी सुबह शोक जाहिर किया, दुख जाहिर किया है। बस यही कहना चाहता था मैं। नहीं सदाशिव, तुम्हें गधों को बोलने के लिए बैठाएंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही बोलोगे तो राजनीति कैसे होगी? Ha ha ha!
मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? टीवी न्यूज़ वाले फोन पर है सर। हाँ? जी सर। हेलो मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते दर्शकों, डीसी एक्सप्रेस से केंद्रीय मंत्री श्री रंगराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे मुझे फोन लगाकर वहाँ किससे बात कर रहे हो? मंत्री जी, आतंकवादी जब आपको अगवा कर रहे थे उस समय का अनुभव कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे अगवा होने का नहीं मोहब्बत का अनुभव पूछ रहा है। जी सर। अच्छा ही था, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। मंत्री जी, आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्होंने आपसे आपसे कोई रहस्यमय बात भी की थी क्या? वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। मिलने कोई नहीं आया? नहीं आया। तो आप ही उन आतंकवादियों को कुछ बोल दीजिए। ए गोपाल, आतंकवादी मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। हाँ, तुम तो जानते ही हो। देखिए, आतंकवादियों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है। इस ट्रेन में शायद कुछ 700-800 लोग होंगे, उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो। किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए, चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो। सच में जान देने वाले हैं सर? हेलो मुखी, कौन है वो? वही है सर, मुखी और लड़की, उनकी बातें सुनाई दे रही। मुखी इधर आओ। मुखी कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मुखी कुमार, मैं कैप्टन अरविंद बोल रहा हूँ। सर, ये लड़की इंजन में फंसी हुई है सर। तो तुम वहाँ क्यों गए? सर, वो मेरी जान है। क्या क्या कहा? हेलो हेलो मुखी कुमार, सर वो मेरी जान है, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। हेलो सर, हेलो मुखी कुमार। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो
एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहाँ पर है. सो व्हाट वी हैव टू डू सुल्तान सर, डीसी एक्सप्रेस से कैप्टन अरविंद. वन सेकंड कैप्टन अरविंद, डीआईजी सुल्तान हियर. अरविंद, ट्रेन की छत पर 6 टेररिस्ट थे, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेररिस्ट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताओ. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, सब रॉबर्स थे. तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट पे वो लड़का. वो लड़का एक साधारण सा वेंडर है सर, और वो लड़की एक हीरोइन की टचअप गर्ल है. सर, मैंने पता कर लिया, वो दोनों इनोसेंट हैं. मिस्टर अरविंद, कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है, इनोसेंस का नाटक करते हैं. आई होप यू नो दैट. इसके अलावा मीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं. आपकी बात पर डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है. मिस्टर अरविंद, यू डू वन थिंग, उनसे मेरी बात कराइए, इसके बाद ही वो इनोसेंट है या टेररिस्ट है मैं कोई फैसला कर पाऊंगा. कैन यू डू दैट, इज दैट पॉसिबल? नो वे सर, इट्स इम्पॉसिबल. उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी है. जी हाँ सर, और इस वॉकी टॉकी से सिर्फ 7 किलोमीटर की रेडियस में ही बात कर सकते हैं. सर, आप चेन्नई में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना नामुमकिन है सर. लॉजिकल इट्स इम्पॉसिबल. सर, इट्स पॉसिबल सर. हेलो, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता. श्योरली आई कैन मेक इट सर. सर, उन्होंने क्या कहा सर? ये आतंकवादियों का काम नहीं है. तो फिर ट्रेन में हो क्या रहा है सर? देयर इज समथिंग रॉन्ग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर, कुछ तो गड़बड़ है. उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो. चलिए मेरे साथ. ये छलनी लेकर क्या करेगा? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी, मुखी, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है. सर, कांटेक्ट हो गया. अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया सर. अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवा कर इनसे बात करवा सकते हैं सर. वन सेकंड सर. कैप्टन अरविंद, स्पीकर ऑन करो. यस कैप्टन, बोलिए. सर, वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं. बात ही कर रहे हैं सर. मुझे उस लड़की से बात करनी है. उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर. ये सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए. तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है. बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर. व्हाट, नाटक कर रही हो? नहीं नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर. मैं मान लूं तुम सिंगर हो? अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी मानो सर और शुभाजी से पूछ लीजिए. मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ. उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ. अरे बचाने के लिए बोल. सर, मैंने कहा था ना, वो लोग इनोसेंट हैं. आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर. पागल लगती है. जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं. इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर बचाओ. मुझे पागल कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैंने तो उनको बोला. तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे. वो लोग ही पागल है. सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी. उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होके गिर गए. What? सर, आई थिंक ही हैज. कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है. अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का ये ह्यूमन एरर है, इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही है. ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है. टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दिल का ताड़ बना के रख दिया. मिस्टर विजय, कम हियर. तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो, ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है. अब तक जो कहा बहुत है, वो बंद करने के लिए कह दो. सर, ब्रिज टूट जाएगा. ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा. अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता. सर, इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ. मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया, और तुम रेलवे के बारे में पूछ रहे हो. ए, तब मुखी और सरुजा को बचा नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है. तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है. ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है. ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा. कैमरामैन रमेश के साथ आईबीसी न्यूज के लिए मैं रेखा. मुखी, मुझे बहुत डर लग रहा है. मुखी, अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो. हम लोग मर जाएंगे मुखी. सरोजा,
जाओगी तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है, तुम इंजन के केबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा सरोजा क्या हुआ सर? अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? पीछे ड्राइवर है, देखो उस केबिन में जाओ, अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं, प्लीज सरोजा प्लीज। मैं करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना, तुम कर सकती हो सरोजा, गो फास्ट फास्ट फास्ट। ए कथी कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। ए अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको, ए सरोजा जरा सुनो, ए संभल कर जाना, सरोजा संभल कर, आराम से। पागल लड़की, अरे उसे तोड़ो मत, वो वॉकी टॉकी है। वो गिर गया। कभी तो मेरे हाथ से क्या कर दिया ये? दाई, वही पकड़ कर बैठ जाओ, वही पकड़ कर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया। ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ठीक है पीछे आओ। ब्रिज आ गया, वो मुझे भी दिखाई दिया, तुम पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कधी क्या करती हो? वही पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली आई? वहाँ से तुम नहीं दिख रहे थे, तुम यहाँ पर हो ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है बैठ जाओ, और ठीक से पकड़ कर बैठना, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ ही रहो। Oh, my God.
आखिर तेरी परेशानी क्या है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकल है कि नहीं तुझे? ट्रेन की कहां जाकर टक्कर होने वाली है पता नहीं है? अरे यार, बदला लेने का टाइम है क्या ये? इस टाइम पर झगड़ा करेंगे तो दुनिया हंसेगी बे। देखने वाले क्या सोचेंगे? तू तो एकदम पागल विलन लगता है। टनल आ रहा है, बैठ जा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। अरे बैठ जा। जब तक मैं तुम दोनों को मार नहीं देता मैं नहीं जाऊंगा। आजा, आना। तेरा जाना ही बेटर है। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहाँ कोई नहीं था, तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर जान गंवा बैठे। सर, एक सुपर आइडिया है। एक हेलीकॉप्टर लेकर सीधे ट्रेन के ऊपर जाकर इंजन के ऊपर एक सीढ़ी डालकर मैकेनिक को उतारेंगे तो वो ट्रेन को रोक देगा। बेटा, लगता है तूने बहुत सी इंग्लिश फिल्में देखी है। हमारे देश में किसी को चोट लगे और एम्बुलेंस को फोन किया जाए तो एम्बुलेंस के आने से पहले इंसान अपना दम तोड़ देता है। बी इंडियन, इंडियन की तरह सोचो। हमारे पास समय नहीं है सर, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर सॉरी यार, ठीक है, अब से हॉलीवुड भी देख। बात वो नहीं है सर, आइडिया देने के लिए हॉलीवुड फिल्में देखना जरूरी नहीं है सर, अकल का इस्तेमाल करना काफी है। कोशिश भी नाकाम रही। इस कोशिश में एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। मुझे ये क्या हो गया? तुम रो मत, रुक जाओ। सरोजा, सरोजा मुझे सुन रही हो? सरोजा, सर उस लड़की के पास वॉकी टॉकी नहीं है, मेरे पास है, बोलिए सर। मुखी, इंजन के डोर की कांच टूट गई है, देखो। तुम सरोजा को बोलो दरवाजा खोलकर अंदर जाए, उसे अंदर जाकर ब्रेक लगाने के लिए बोलो। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए बोलो, सेंट्रल आने में बस 15 मिनट बचे हैं। ओके सर। वो देखो कांच टूटा हुआ है, जैसा उन्होंने कहा वैसे अंदर जाकर उस इमरजेंसी ब्रेक को लगा दो। भगवान, कौन सा बटन? हाँ, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन। हाँ, ग्रीन बटन के बाद कौन सा बटन? लीवर, हाँ लीवर, लीवर, ब्लैक लीवर, ब्लैक। यहाँ तो दो लीवर है, कौन सा वाला? सर, इन दोनों ब्लैक लीवर में से कौन सा लीवर खींचना है सर? ओह सॉरी सर, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला था, चोर निकल के भागा, भगवान। Oh, my God.
सर सब बर्बाद हो गया है, वहाँ सब कुछ चल गया है ऐसा बता रही है। अब क्या होगा सर, सब खत्म हो गया है क्या? ट्रेन रुकेगी या नहीं? सर आई थिंक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर शॉर्ट सर्किटेड। सर पूरा पैनल बोर्ड जल गया है सर, अब टेक्निकली ट्रेन को रोकना इम्पॉसिबल है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता सर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इसके आगे सर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, वो सब हमारे भरोसे हैं। अगर ट्रेन सेंट्रल पर आकर टकरा गई तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डू समथिंग सर, डू समथिंग से क्या होगा, सारे पैसेंजर्स को बचाना है तो इंजन और बोगीज को अलग करना होगा। कम ऑन, व्हाट टू डू? इफ वी डिपार्ट द इंजन फ्रॉम, इंजन को कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए तो पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है ना? यस सर, लेट्स डू इट। लेकिन एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन भी चलती ट्रेन में कपलिंग को नहीं निकाल सकता सर, वो भी ऐसे समय पर, मैं कहूँ भी तो किसको? वो लड़का मुखी है ना, लेट्स यूज हिम। सर गुड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो कपलिंग को उठा पाए। तो तुम जाकर निकालो। सर मैं फैमिली मैन हूँ, कैसे कपलिंग कर सकता हूँ, मतलब कपलिंग कैसे उठा नहीं सकता? उठा सकते तो मुंह बंद रखो, बेकार के कमेंट करते हो। मुखी सुन रहे हो ना? सर मैं सब सुन रहा हूँ, मैं फैमिली मैन नहीं हो सकता हूँ क्या? मुखी मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन तुम हो। इस समय हालात करो या मरो के हैं। तुम्हें उतरकर कपलिंग को खोलना होगा, सारे पैसेंजर्स को बचाना है, ये रिस्क तुम्हें लेना ही होगा। यू कैन डू इट मुखी। ठीक है सर मैं ही जाता हूँ। गुड गुड, दैट्स फाइन मुखी। अरे हाँ लेकिन मैं उतरूंगा कैसे? नहीं मुखी। वो सब हम देख लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। सर बस 8 मिनट बचे हैं। सर एग्जैक्टली 6 मिनट्स मोर। हेलो प्लीज, मैकेनिक जब कुछ नहीं कर पाया तो वो कटलेट बेचने वाला क्या कर पाएगा? सुनो भास्कर, हाँ सर, ट्रेन यहीं पर आकर टकराएगी, तुम और सुरेश इस एरिया को क्लियर कर दो। ठीक है सर। मैच जीत गया क्या? मेरी इज्जत बचा ली उसने। ए चुप करेगा तू? सॉरी ब्रो। संभल कर, धीरे धीरे आराम से। मिस्टर मुखी कुमार, मिस्टर मुखी कुमार, क्या अगर तुम सही सलामत चेन्नई पहुंच गए तो? ए? तो क्या पहला इंटरव्यू आईपीसी को ही देना होगा? हाँ पक्का, सुधरना मत तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे, नहीं बदलने वाले। समझ गया, कुछ अच्छा ही बोल रहे हो, वहाँ पर भी आकर यही बोलना। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा। यहाँ सबकी इतनी लगी पड़ी है और इनको इंटरव्यू चाहिए। मुखी तुमसे एक बात पूछूं? क्या? जब तुम इंटरव्यू दोगे तो मैं साइड में खड़ी हो सकती हूँ ना? तेरे लिए ही तो सब कुछ है जाने मन। सर उस लड़की को इस कंपार्टमेंट में बुलाने के बाद कपलिंग को निकलवा देते हैं। हमारे पास बस 5 मिनट है, उसमें इस लड़की की जान बचाने लगे तो ट्रेन टकरा जाएगी। तो फिर उस लड़की की जान? 742 लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान देना कोई बुरी बात नहीं है। मुखी ऑनलाइन है। हाँ मुखी। हाँ बोलिए सर। मुखी तुम बफर में खड़े हो, तुम्हारे आगे कपलिंग है, देखो बस उसे ही खोलना है। सर लेकिन सरोजा तो इंजन में है ना? उसके लिए मत डरो, कपलिंग के निकलते ही प्रेशर वाल्व रिलीज हो जाएगा और इंजन थोड़ी दूर जाकर खुद रुक जाएगी। ठीक है सर, अभी करना क्या है? पहले यू क्लाइंब को हटाओ। यू क्लाइंब मतलब? वहाँ पर एक उल्टा सरिया फंसा हुआ है, देखो करियर को उठाते हैं वैसा ही कुछ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही। इट्स एन इमरजेंसी, एरिया क्लियर कीजिए, चलिए सभी आगे आ जाइए, पीछे आइए, प्लीज प्लीज एरिया क्लियर कीजिए फास्ट।
पर हटा दिया। इसके बाद कपलिंग के पास एक रिलीज स्क्रू होगा, देखो। हाँ वो चकली बनाने की मशीन होती है वैसी ही ना सर। हाँ, उससे चकली बनाओ, नहीं उसे लूज करो। हाँ ओके सर। मुखी जल्दी करो मुखी, टाइम नहीं है मुखी। मुखी तुम कैसे घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज घुमाओ। अब ये क्लॉकवाइज क्या है? उसी तरह जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। दाहिने हाथ की तरफ सर। दाहिना सर, राइट साइड ही बोल रहे हो, वो करेक्ट है। हाँ हाँ वैसा ही घुमाओ घुमाओ जल्दी घुमाओ जल्दी घुमाओ मुखी। हाँ जल्दी करो, ऐसे ही ढीला करो, ढीला करो 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 करो, पूरा ढीला कर दो मुखी, जल्दी ढीला करो। हाँ ढीला कर दिया सर। हाँ हाँ अब उस टोइंग हुक को ऊपर उठाओ सर, हथकड़ी जैसा हुक है उसे ये कहिए। हाँ वहाँ हथकड़ी जैसा हुक बना होगा, देखो उसे पकड़ कर उठाओ फास्ट, जल्दी करो मुखी जल्दी फास्ट, टाइम नहीं है, जल्दी ऊपर उठाओ, जल्दी करो जल्दी, जोर लगाओ मुखी, जल्दी करो, कम ऑन क्विक 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 फास्ट फास्ट फास्ट, ट्राई करो मुखी। Come on, Mookie. 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 Door se kido, door se. Door se kido, kido. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, come on, come on, come on. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. तुम कर सकते हो। थोड़ा शांत रहोगे? तुम कर सकते हो, Mookie. Mookie, हाँ, हाँ. जिसे जो काम नहीं आता है उसको वही काम करने के लिए देंगे। सर सर सर, आपके कहने का मतलब है कि आप पैसेंजर्स को बचाने वाले हैं? सब पीछे हट जाओ, हटो 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 सर, आप कह रहे हैं लोगों को अलग से बताना होगा क्या? जाओ सभी लोग जाओ, मान लिया बचा नहीं पाएंगे सर। अरे सब पीछे जाओ, पीछे जाओ, अरे चलो हटो 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 यहाँ से। अरे संभाल के आराम से। इसलिए वो वहाँ टाइट होगा ही, बेसिन ब्रिज में लोअर ग्रेड है, वहाँ ढीला हो जाएगा सर। लोअर ग्रेड आ रहा है मतलब इस तरफ आना होगा। मुखी तुम सामने चले जाओ, दूसरी साइड तक खींचो मुखी। क्या दूसरी तरफ जाकर निकालो। मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। हे पागल हो क्या? मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। खोलो, सेंटर लाने वाला है। कम ऑन क्या सर? सेंटर लाने वाला है मुखी, जल्दी खोलो मुखी, जल्दी करो बस बस। मुखी खोलने के बाद भी इंजन नहीं रुकेगा, उसकी जान चली जाएगी। मेरी जान है वो। मुखी वो इंजन भी क्यों गया यार? तो क्या उसके लवर इंजन में थी ना, वो इधर क्या करता? ए, प्यार की फीलिंग प्यार करने वालों को ही पता होता है, तू क्या जाने? और तेरी फीलिंग हम जानते हैं रे। चलना ठीक है। जान देकर लोगों को बचाने की शक्ति सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। लोगों को धोखा देकर जान लेने की शक्ति सिर्फ हम जैसों के पास होती है। तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरे साथ तुम भी मरने चले आए यहाँ? एक साथ मिलकर सिर्फ जीने के लिए प्यार किया था क्या? मुझे भी अब जीने की इच्छा हो रही है मुखी। ये ट्रेन नहीं रोकी जा सकती क्या? क्यों नहीं रुक सकती? तुम चाहो तो मुझे स्पाइडरमैन या सुपरमैन बना दो, मैं खींचता हुआ रोक दूंगा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, बड़ी सी सिंगर बनूंगी, तुमसे शादी करूंगी। एक बात सुन लो, ये देखो शादी करने वाले शादी करने तक ही लवर्स होते हैं, शादी के बाद पति पत्नी बनकर, माँ बाप बनकर, दादा दादी बनकर एक एक करके निकल पड़ते हैं, उसके पहले प्यार कब का खत्म हो चुका होता है। हमें देखा ना, अभी भी लवर्स हैं और मरते वक्त भी लवर्स हैं। कितने लोगों को ऐसा मिलता है, हमारी तरह किस्मत होनी चाहिए। जैक तुमने कहा था इंजन थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। नहीं रुकेगा सर। What? We lost them. Why? Some technical error? Human error. तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है मुखी? हाँ है ना इच्छा, तुम्हें ऐसे ही कहीं दूर लेकर चला जाऊं, ऐसे ही तुम्हें गले लगाए रखने की इच्छा है।
ये ट्रेन ऐसे ही रुके बिना बस चलती रहे हमेशा, ज्यादा नहीं 500,000 साल काफी होगा। ए, तुम रो क्यों रही हो? मरने वाले और रो भी ना। रोने से हम मरेंगे नहीं क्या? ये देखो हमारी मौत है तो दूसरों को रोना होगा, हम अपनी मौत पर भला क्यों रोए, समझ गई ना? अब हम खुशी से मर सकते हैं। मैं गाना गाऊं? मैं खुशी खुशी मरने की सोच रहा था। हाँ। नहीं तुम गाओगी तो भी खुशी होगी ना, गाओ। सरोजा यहाँ देखो, सरोजा अपनी आंखें खोलो, सरोजा अरे कान से खून निकल रहा है, देखो ना क्या हो गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो ना मुखी, तुम्हारे कान से खून निकल रहा है। तुमने कान में गाया था ना, तुम्हारे गाने से कुछ भी रुक सकता है, सरकार को पता नहीं था। उठ जाओ, उठो। मुखी कुमार सर, सर सर मुखी कुमार चेन्नई आते ही आप पहला इंटरव्यू हमें देंगे ऐसा कहा था ना? ये बताइए सर, अपनी जान की परवाह किए बिना आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा क्यों किया सर? अपनी जान के लिए ही। So sweet, सरोजा you very lucky। मुखी कुमार आपके इस साहसपूर्ण काम के लिए आपको अर्जुन अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है? नहीं मेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, इसको गाने का बहुत शौक है। ये बहुत से फिल्मों के डायरेक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स देख रहे होंगे, उनमें से किसी को लगे तो इसे एक मौका जरूर दे, बस इतना ही काफी होगा। मैडम आप बहुत अच्छी सिंगर हैं क्या, तो प्लीज हमें भी एक गाना गाकर सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। अरे नहीं तुम थक गई होगी ना इसलिए। इट्स ओके, बाद में सुना लीजिएगा। हां जरूर गाएगी। पीछे जाइए प्लीज, पीछे हटिए, एक बाइट सर, पीछे हटिए, आजा हट जाओ, पीछे 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 प्लीज, पीछे हटो, या प्लीज ले सवाल सकते हो यहां, एक सवाल सही है, हो गया फोटो, चलो चलो मेरे साथ सर, हमारे लिए सर मैम कम, अरे वाह जान दीजिए, जान दीजिए इनको, मेरे साथ सेल्फी लेने आए थे ना, तो अब तो सब तुम्हारे साथ सेल्फी ले रहे हैं। इसने प्रूव कर दिया मेरा स्टूडेंट है। चुप रहेगा तू, मुझे कुछ बोल रहा है? तुझे ही बोला मैं, तुझे पता तो चल गया होगा कि मैं मिलिट्री में खाना बनाता था। अच्छा तू मिलिट्री में खाना बनाता था? ए, ये मिलिट्री में खाना बनाता था। मुझे मार।